हेलो फ्रेंड्स, आई एम मनु शर्मा एंड दिस इज सिविल सेक्शन। वेलकम यू ऑल हेयर। फ्रेंड्स, आज है 24 जनवरी 2019 और देखते हैं आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में कौन कौन से इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पेज नंबर वन की। पेज नंबर वन पर जो न्यूज़ आई है उसके अकॉर्डिंग ओरल मेंशंस इन सुप्रीम कोर्ट विल सून बी हिस्ट्री, यानी कि सुप्रीम कोर्ट में जिन केसेस को ओरली मेंशन किया जाता है अब वो जल्दी ही हिस्ट्री बन जाएंगे। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऐसी गाइडलाइन बनाने जा रहा है जिसमें क्या होगा, जो ये इंश्योर करेगी कि जितनी भी अर्जेंट केसेस हैं वो ऑटोमेटिकली बेंच के सामने आ जाएं 4 दिन के अंदर अंदर। इससे क्या होगा कि जो टाइम की वेस्टेज है वो बच सकेगी और जल्दी से जो अर्जेंट केसेस है उनके ऊपर हियरिंग रखी जा सकेगी। तो फ्रेंड्स, अभी क्या होता है, एक कन्वेंशन के अकॉर्डिंग जितने भी लॉयर्स हैं वो क्या करते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस के सामने केसेस को ओरली मेंशन करते हैं, जिससे क्या होता है कि कई बार जो अर्जेंट केसेस होते हैं वो पीछे रह जाते हैं और जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट केसेस नहीं होते हैं वो उनको सामने रख दिया जाता है। तो इसी से बचने के लिए हमारे जो CJI हैं रंजन गोगोई, उन्होंने बार काउंसिल को बार बार ये एडवाइस किया है कि जो इम्पॉर्टेंट केसेस हैं, जो एब्सोल्यूट अर्जेंट केसेस हैं, उनको केयरफुली बेंच के सामने मेंशन किया जाए। लेकिन इतना रिमाइंड करने के बाद भी अभी तक ऐसी कोई चीज़ नहीं देखी गई है कि लॉयर्स ने इसके ऊपर कोई इनिशिएटिव लिया हो। तो अब इसलिए सुप्रीम कोर्ट ही इसके ऊपर कुछ गाइडलाइंस तैयार करेगा। ओके, और ये किसने बोला है, ये बोला है हमारे CJI रंजन गोगोई ने। ओके, अब पढ़ते हमारे नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ जो पेज नंबर 7 पर है और इसमें बात की गई है इंडिया कंडक्ट्स लार्जेस्ट कोस्टल सिक्योरिटी ड्रिल। तो फ्रेंड्स, इंडिया ने अभी तक की लार्जेस्ट कोस्टल सिक्योरिटी ड्रिल को कंडक्ट किया है। तो अगर आपको याद होगा, हमारे यहाँ पर 26/11 टेरर अटैक हुआ था, यानी मुंबई के ताज होटल पर एक आतंकवादी हमला हुआ था। तो उसके 10 साल बाद इंडिया ने एक लार्जेस्ट कोस्टल डिफेंस ड्रिल को कंडक्ट किया जिसका नाम रखा गया एक्सरसाइज सी विजिल। और इसमें ये चीज़ चेक की गई कि उसके बाद में, 10 साल के बाद में अगर ऐसी कोई कंडीशन फिर से आती है तो हम उसके लिए कितने तरीके से तैयार हैं। और ये प्रिपेयर्डनेस कहाँ पर देखी जाएगी, देखी जाएगी जो हमारी कोस्ट लाइन है, इंडियन कोस्ट लाइन, और इसके अलावा जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है हमारी कंट्री के, वहाँ पर हम लोग कितने ज़्यादा प्रिपेयर हैं। तो हमारे यहाँ की जो कोस्ट लाइन है वो कितनी लंबी है, वो है 7,506.6 किलोमीटर लॉन्ग, राइट। और फ्रेंड्स, यहाँ पर ये जो एक्सरसाइज हुई है ये अभी तक की पहली एक्सरसाइज है जो इतने बड़े लेवल पर कंडक्ट की गई है। और ये कब कंडक्ट की गई थी, ये January 22 और January 23 को कंडक्ट की गई थी और इसको कोऑर्डिनेट किया था नेवी ने। इसका एम इतना है कि जो कोस्टल सिक्योरिटी मैकेनिज्म है उसको साइमल्टेनियसली एक्टिवेट रखा जा सके जितनी भी हमारे यहाँ के 13 कोस्टल स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज हैं वहाँ पर। तो फ्रेंड्स, जो हमारे यहाँ पर 26/11 अटैक हुआ था उसके बाद में नेवी को ओवरऑल मैरीटाइम सिक्योरिटी और इसके अलावा ऑफशोर और कोस्टल सिक्योरिटी के लिए एक रेस्पॉन्सिबल एजेंसी डेजिग्नेट किया गया था। और हमारे यहाँ के टेरिटोरियल वाटर में जो कोस्टल सिक्योरिटी है उसके लिए कौन सी एजेंसी रिस्पॉन्सिबल की गई, उसके लिए कोस्ट गार्ड को डेजिग्नेट किया गया, राइट। तो फ्रेंड्स, अभी आपको यहाँ पे थोड़ा सा डाउट ही आ रहा होगा कि कोस्ट लाइन का मतलब क्या होता है। कोस्ट लाइन का मतलब होता है जैसे अगर हमारा ये इंडिया है और इंडिया के ये जो पेनिनसुलर पार्ट है, यहाँ पर क्या है, इन तीन जगह पर सी है, राइट। यहाँ पर है अरेबियन सी, इस जगह पर है इंडियन ओशन और यहाँ पर है हमारा बे ऑफ बंगाल। तो जो सी से अटैच्ड हमारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज हैं उनको बोलते हैं कोस्टल स्टेट्स या कोस्टल यूनियन टेरिटरीज, राइट। और ये जो लाइन है, जो बाउंड्री है, इसको हम बोलते हैं कोस्ट लाइन, राइट। तो ये जो कोस्ट लाइन है इससे हमारे 13 स्टेट्स अटैच्ड हैं। तो आप ये देखेंगे कि हमारे यहाँ के वो 13 स्टेट्स कौन कौन से हैं जो कोस्टल स्टेट्स में काउंट किए जाते हैं, राइट। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ जो पेज नंबर 7 पर है और इसमें बात की गई है इसरो टू लॉन्च मिलिट्री सैटेलाइट टुनाइट, यानी इसरो आज रात को, यानी थर्सडे मिडनाइट को मिलिट्री सैटेलाइट लॉन्च करने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इसरो क्या है, इसके बारे में हम पहले भी बहुत डिटेल में बात कर चुके हैं। इसरो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, इसका काम क्या है, इसके अंडर कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन आते हैं, इसके चीफ कौन है, ये सब हमने बहुत अच्छे से बात की है। तो अगर आपने हमारे पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप एक बार जाकर उनको ज़रूर देखें, इसरो को लेकर आपके सारे डाउट्स वहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। और उस वीडियो का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे देंगे। ओके, अब आते हैं न्यूज़ की तरफ। तो फ्रेंड्स, 2019 का फर्स्ट मिशन इसरो लॉन्च करने जा रहा है थर्सडे मिडनाइट को और इसमें दो सैटेलाइट को लॉन्च किया जाएगा। कौन कौन सी, एक तो है माइक्रोसेट आर और दूसरा है PSLV C44। ओके, तो ये जो माइक्रोसेट आर है फ्रेंड्स, ये मिलिट्री के यूज के लिए बनाई गई है और ये सैटेलाइट 130 kg मिलिट्री इमेजिंग सैटेलाइट है। इसरो का कहना ये है कि इसके टेक ऑफ के 15 मिनट के अंदर अंदर इसको पोलर ऑर्बिट में प्लेस कर दिया जाएगा, जो कि कितनी दूर है पोलर ऑर्बिट अर्थ से, अर्थ से इसकी दूरी है 274 किलोमीटर, राइट। और ऐसा बोला जा रहा है कि ये जो माइक्रोसेट आर है ये मिलिट्री के यूज़ के लिए
बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगी, लेकिन इसरो ने अभी इसके बारे में कुछ भी डिटेल शेयर करने से मना कर दिया है और ना ही अभी इसके कुछ यूजेस बताए हैं। तो जैसे जैसे ये आगे आएंगे इसके यूजेस, तो हम इसके ऊपर आगे से डिस्कस करेंगे। ओके, अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ, जो पेज नंबर 7 पर ही है और इसमें बात की गई है, नाउ एन ऐप टू हेल्प द विजुअली इम्पेयर्ड, यानी कि जो विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन होते हैं या फिर जो ऐसे लोग जो देख नहीं सकते हैं उनको बोलते हैं विजुअली इम्पेयर्ड, तो उनके लिए एक ऐप तैयार किया गया है। तो ये ऐप क्या है थोड़ा देखते हैं। तो फ्रेंड्स, द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो कि रोपार में है, और रोपार कहाँ पर है, पंजाब में, तो यहाँ पर एक एप्लीकेशन डेवलप की गई है जिसमें क्या होगा, जितने भी विजुअली इम्पेयर्ड पीपल हैं उनको करेंसी नोट्स के डिनोमिनेशन डिटरमाइन करने में ये हेल्प करेगा। मतलब कि वो जो करेंसी नोट्स हैं वो 10 के हैं, 50 के हैं, 100 के हैं, कितने के हैं, ये बताने में उनको हेल्प करेगा। और इस एंड्रॉयड ऐप को नाम दिया गया है रोशनी। ओके, और इसमें क्या होगा, जो यूज़र है उसको करेंसी नोट को फ़ोन कैमरा के सामने लगाना होगा और ऐप उसको डिटरमाइन करेगा, इन्फॉर्मेशन ऑडियो नोटिफिकेशन देगा उस पर्सन को कि ये जो करेंसी नोट्स है ये कितने डिनोमिनेशन का है। राइट, अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ, जो पेज नंबर 10 पर है और इसमें बात की गई है, कैबिनेट ओकेज एमओयू बिटवीन इंडिया एंड कुवैत, यानी कि कैबिनेट ने इंडिया और कुवैत के बीच में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को ओके कर दिया है। तो फ्रेंड्स, यूनियन कैबिनेट ने इंडिया और कुवैत के बीच में जो एक एमओयू साइन हुआ था उसको वेडनेसडे को अप्रूव कर दिया है। इस एमओयू में ये बात की गई है कि जो डोमेस्टिक वर्कर होते हैं उनके रिक्रूटमेंट में किस तरीके से कोऑपरेट किया जाएगा। ये जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है इसमें क्या होगा, इसमें एक स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क होगा, यानी इसमें सारी गाइडलाइंस लिखी होंगी किस तरीके से जो कुवैत में डिप्लॉयड वर्कर्स हैं, यानी जो डोमेस्टिक वर्कर्स हैं और स्पेशली फीमेल्स, उनके लिए किस तरीके से उनके सेफगार्ड्स को स्ट्रेंथन किया जा सकता है। तो ये जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग होगा इनिशियली ये 5 ईयर्स के लिए वैलिड होगा और उसके बाद में इसमें ऑटोमेटिक रिन्यूअल का प्रोविजन है। इसके अलावा इस एमओयू के अंडर एक जॉइंट कमिटी को भी सेटअप किया जाएगा जो पूरा का पूरा जो इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है इस फ्रेमवर्क का उसको फॉलो अप करेगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो हमारे लिए कीवर्ड था वो था कुवैत। तो देखते हैं कुवैत की लोकेशन वर्ल्ड मैप के ऊपर कहाँ पर है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देखेंगे इस जगह पर है अरेबियन सी। ओके, ये है पर्शियन गल्फ। इसके बाद में यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर कुवैत है, इसके ऊपर इराक है, यहाँ ईरान है, फिर सऊदी अरेबिया, तो यहाँ पर छोटी सी एक आइलैंड कंट्री है जिसको जिसका नाम है बहरीन, यहाँ पर है कतर, फिर यहाँ पर है यूएई मतलब यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, फिर है ओमान और यहाँ पर है यमन। ओके, तो ये याद होना चाहिए कि ये कंट्री कहाँ कहाँ पर है। और यहाँ पर मेन हमारे लिए क्या है कि कुवैत के साथ कौन कौन सी कंट्रीज बॉर्डर शेयर करती हैं, तो आप देखेंगे यहाँ पर एक तो यहाँ पर है इराक, राइट, ये इराक, और इस जगह पर सऊदी अरेबिया, और इसके अलावा कुवैत पर्शियन गल्फ के साथ भी बॉर्डर शेयर करता है। राइट, तो आई होप आपको समझ आ गया हो कुवैत की लोकेशन के बारे में। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज़ आइटम की तरफ, जो पेज नंबर 11 पर है और इसमें बात की गई है, कैबिनेट डिसाइड्स टू स्ट्रेंथन नॉर्थ ईस्ट ऑटोनॉमस काउंसिल। तो फ्रेंड्स, कैबिनेट ने यानी जो यूनियन कैबिनेट है उन्होंने डिसाइड किया है कि जो नॉर्थ ईस्ट में ऑटोनॉमस काउंसिल होती हैं उनको और स्ट्रेंथन किया जाए। तो फ्रेंड्स, कैबिनेट ने यानी यूनियन कैबिनेट ने वेडनेसडे को एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को अप्रूव कर दिया जिसमें क्या होगा, इसमें 6th शेड्यूल के अंदर अमेंडमेंट किया जाएगा कि जो 10 ऑटोनॉमस काउंसिल हैं, जो 10 ऑटोनॉमस काउंसिल हैं उनको फाइनेंशियल और एग्जीक्यूटिव पावर को इंक्रीज किया जाए। इसके अलावा अभी तक ऐसा होता था कि जो ऑटोनॉमस काउंसिल हैं उनको ग्रांट्स के लिए सेंट्रल मिनिस्टर या स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता था, जब कुछ स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स आएंगे तभी इनको ग्रांट्स मिलते थे। लेकिन अभी जो अमेंडमेंट किया जा रहा है उसके अकॉर्डिंग 1/3 ऑफ द सीट्स जो हैं वो विमेन के लिए विलेज और म्यूनिसिपल काउंसिल्स में रिजर्व की जाएंगी। और इसके अलावा ये अमेंडमेंट के अंदर कुछ एडिशनल पावर को भी ट्रांसफर करने की बात की गई है। तो यहाँ पर आसाम में 2 काउंसिल्स हैं, कौन कौन सी, एक कार्बी एनालोंग ऑटोनॉमस टेरिटोरियल काउंसिल और दीमा हासाओ ऑटोनॉमस टेरिटोरियल काउंसिल, तो इनको 30 एडिशनल सब्जेक्ट्स ट्रांसफर किए जाएंगे, जैसे कि डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक वर्क, फॉरेस्ट, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, अर्बन डेवलपमेंट एंड फूड एंड सिविल सप्लाई, तो ये इस टाइप के सब्जेक्ट्स भी उसको ट्रांसफर किए जाएंगे। तो फ्रेंड्स, देखते हैं थोड़ा सा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल्स के बारे में। तो फ्रेंड्स, अगर हम लोग ओरिजिनली बात करें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ओरिजिनली 8 शेड्यूल हैं, लेकिन अभी इस टाइम पे प्रेजेंटली कितने हैं, यानी अमेंडमेंट करके चेंजेस करके उनको कितना कर दिया गया है, अभी हैं 12 शेड्यूल्स। तो थोड़ा देखते हैं शेड्यूल्स के बारे में कि कौन कौन शेड्यूल में क्या क्या बात की गई है। तो हमारा जो फर्स्ट शेड्यूल है उसमें बात की गई है जितनी भी हमारी कंट्री में स्टेट्स हैं और यूनियन टेरिटरीज हैं उनकी पूरी लिस्ट है और प्लस उनके कैपिटल्स भी उसमें दिए हुए हैं। जो सेकेंड शेड्यूल है उसमें कुछ प्रोविजन्स दिए गए हैं किस किस से रिलेटेड,
प्रेसिडेंट, गवर्नर ऑफ स्टेट्स, स्पीकर एंड डिप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा, चेयरमैन एंड डिप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, स्पीकर एंड डिप्यूटी स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज, चेयरमैन एंड डिप्यूटी चेयरमैन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट और कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो इनसे रिलेटेड कुछ प्रोविजन उसमें दिए गए हैं। थर्ड शेड्यूल में ओथ एंड एफर्मेशन की बात की गई है कि जो पर्सनैलिटीज है किसके ऊपर यानी किस चीज़ को लेकर ओथ लेंगी यानी शपथ लेंगी। फोर्थ शेड्यूल में बात की गई है कि जो काउंसिल ऑफ स्टेट्स है यानी जो राज्यसभा है उनको कितना कितना सीट एलोकेट किया गया है या क्या क्या सीट्स एलोकेट किए जाएंगे। फिफ्थ शेड्यूल जो है उसमें बात की गई है कि जो शेड्यूल्ड एरियाज हैं और शेड्यूल्ड ट्राइब एरियाज हैं उनके एडमिनिस्ट्रेशन और कंट्रोल से रिलेटेड सारी बातें इसमें लिखी गई हैं। सिक्स्थ शेड्यूल में कुछ प्रोविजंस दिए गए हैं ट्राइबल एरियाज के एडमिनिस्ट्रेशन से लेके, और ये जो ट्राइबल एरियाज हैं इनमें फोर स्टेट्स काउंट किए जाते हैं, वो हैं असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। इसके बाद सेवन शेड्यूल में जितनी भी हमारी यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट की बात की गई है, यानी कि यूनियन के अंडर कौन कौन से काम आएंगे वो लिस्ट इसमें दी गई है, स्टेट के अंडर कौन कौन से काम आते हैं, कौन सा उसका एरिया है वो इसमें बात की गई है, और कॉन्करेंट में यानी कि दोनों किसके ऊपर मिलकर काम करेंगे तो वो बात की गई है। एट्थ शेड्यूल में उन सभी 22 लैंग्वेजेस की लिस्ट है जिनको कॉन्स्टिट्यूशन ने रिकॉग्नाइज किया है। नाइन्थ शेड्यूल में कुछ एक्ट्स हैं और उनके रेगुलेशन से रिलेटेड कुछ प्रोविजंस यहाँ पर दिए गए हैं। टेंथ शेड्यूल में प्रोविजंस हैं डिसक्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन, यानी डिफेक्शन के ग्राउंड पर डिसक्वालिफिकेशन रिलेटेड प्रोविजन इसमें दिए गए हैं। इलेवेंथ शेड्यूल में बताया गया है पंचायत की क्या क्या पावर हैं, अथॉरिटीज हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। और जो हमारा ट्वेल्थ शेड्यूल है इसमें बात की गई है म्यूनिसिपैलिटीज की पावर, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में। ओके तो फ्रेंड्स, सिक्स शेड्यूल जो था ये हमारा इंपॉर्टेंट की वर्ड था इस न्यूज के अंदर, थोड़ा देखते हैं इसके बारे में कि ये क्या है। तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर कुछ स्पेशल प्रोविजन बनाए गए हैं ट्राइबल डोमिनेटेड एरियाज के लिए, और वो फोर स्टेट्स हैं। वो फोर स्टेट्स कौन कौन से हैं, वो हैं असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। तो जो हमारा आर्टिकल यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 244 है, और जो हमारा सिक्स शेड्यूल है उसके अकॉर्डिंग इनको ट्राइबल एरियाज कहा जाएगा, क्योंकि ये टेक्निकली डिफरेंट है फिफ्थ शेड्यूल के शेड्यूल्ड एरियाज से, तो इसीलिए इनको अलग से सिक्स शेड्यूल में रखा गया। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर कुछ ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट्स हैं और कुछ ऑटोनॉमस रीजन्स हैं। तो नॉर्मली क्या होता है, गवर्नर जो होते हैं इन चारों स्टेट्स के, उनको एम्पावर किया गया यानी उनको पावर दी गई है कि वो किसी भी ट्राइबल डोमिनेटेड डिस्ट्रिक्ट को या एरिया को ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट या ऑटोनॉमस रीजन एक ऑर्डर से डिक्लेयर कर सकते हैं। इसके लिए किसी सेपरेट रूल बनाने की जरूरत नहीं है, कोई लीगल लॉ बनाने की जरूरत नहीं है, यानी गवर्नर के ऑर्डर पर ही इतना हो जाएगा। इसके अलावा गवर्नर के पास में ही ये पावर है कि ये जो ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट्स और रीजन है इनमें ये कुछ भी इंक्लूड कर सकते हैं, एक्सक्लूड कर सकते हैं, कुछ भी इसमें डिमिनिश कर सकते हैं, यूनाइट कर सकते हैं टू डिस्ट्रिक्ट्स को। इसके अलावा उनके नामों को ऑल्टर कर सकते हैं या बाउंड्रीज को ऑल्टर कर सकते हैं। तो सारी पावर किसके हाथ में है, ये वहाँ के गवर्नर के हाथ में है। तो देखते हैं यहाँ पर किस तरीके से डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और रीजनल काउंसिल को क्रिएट किया जाता है। तो फ्रेंड्स, हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके आर्टिकल 244 और आर्टिकल 275 में ये प्रोविजंस दिए गए हैं कि डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और रीजनल काउंसिल को क्रिएट किया जा सकता है। हर एक डिस्ट्रिक्ट और रीजनल काउंसिल जो है ये एक बॉडी है, वो क्या करती है, वो उस पर्टिकुलर एरिया को जो उसके ज्यूरिसडिक्शन में आता है उसको कोऑपरेट करने में या उसको एडमिनिस्टर करने में ये हेल्प करते हैं। इनको नाम दिया जाता है डिस्ट्रिक्ट काउंसिल डिस्ट्रिक्ट के नाम पर, या फिर उस पर्टिकुलर रीजन के नाम पर उनको रीजनल काउंसिल नाम दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे इन चार स्टेट्स में अभी तक 10 ऐसी काउंसिल्स हैं। कहाँ कहाँ पर, असम में, मेघालय में, त्रिपुरा में और मिजोरम में। तो असम में 3 हैं, बोडोलैंड, कार्बी एंगलोंग, दीमा हसाओ। मेघालय में 3 हैं, गारो हिल्स, जयंतिया हिल्स, खासी हिल। त्रिपुरा में है त्रिपुरा ट्राइबल एरिया। मिजोरम में है चकमा, लाई, मारा। ओके, तो ये मिजोरम में जो है ये 3 डिस्ट्रिक्ट काउंसिल हैं, त्रिपुरा में भी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, मेघालय में भी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, और इसके अलावा बोडोलैंड और कार्बी जो है रीजनल हैं, और दीमा हसाओ जो है वो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। ओके, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि शेड्यूल क्या होते हैं और सिक्स शेड्यूल में क्या बात की गई है। अब बढ़ते हमारे नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ जो पेज नंबर 13 पर है, और इसमें बात की गई है कैबिनेट गिव्स नॉट टू सेट अप जीएसटी अपीलेट ट्राइब्यूनल, यानी कि तो फ्रेंड्स, यूनियन कैबिनेट ने वेडनेसडे को नेशनल बेंच ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स अपीलेट ट्राइब्यूनल यानी जीएसटेट को अप्रूव कर दिया है। ये फर्स्ट ऐसा कॉमन फोरम होगा जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करेगा। इसके अलावा जितनी भी जीएसटी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होंगी उनको भी ये सॉर्ट करेगा।
ये न्यू दिल्ली में सिचुएटेड होगा और इसको एक प्रेसिडेंट प्रिजाइड करेगा। इसमें एक टेक्निकल मेंबर होगा सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से और एक रिप्रेजेंटेटिव होगा स्टेट गवर्नमेंट का। और ये दोनों मिलकर, यानी ये जो मेंबर्स हैं ये मिलकर ट्राइब्यूनल क्रिएट करेंगे और जो असेसमेंट होगा, यानी जो भी वर्क करने का काम होगा, पूरा जो भी प्रॉब्लम होगी उसको असेसमेंट करने का काम होगा कमिश्नर का। फिर कमिश्नर क्या करेगा, ट्राइब्यूनल के सामने उस असेसमेंट को रखेगा और फिर जो ट्राइब्यूनल है उस डिस्प्यूट को सुनेगा और उसके हिसाब से उसका रिजोल्यूशन किया जाएगा, राइट। तो फ्रेंड्स आज के लिए सिर्फ इतना ही, और अगर आपको हमारे वीडियो देखने के बाद में कोई भी डाउट आता है तो आप अपने डाउट हमसे डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज पर पूछ सकते हैं, जैसे कि यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में आप अपने डाउट हमसे पूछ सकते हैं, आप हमें फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देंगे, आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, हमारा ट्विटर हैंडल है @CivilSection, आप अपने डाउट हमें मेल भी कर सकते हैं, हमारा ईमेल एड्रेस है CivilSection2018@gmail.com। इसके अलावा आप अपने डाउट हमारी वेबसाइट पर भी पुट कर सकते हैं जिसका एड्रेस है www.CivilSection.com। तो फ्रेंड्स आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज़ एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।